अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन कैंडिडेट्स के लिए जो मोबाइल लेके जाते हैं। हालांकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि मोबाइल ना लेके आए। ये आप वीडियो देखें, शॉर्ट क्लिप देखें, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सखर के अंदर जो है एक अनोखी वारदात हुई है। IBA पब्लिक स्कूल में टेस्ट जो है वो मुनक्किद थी और उन्होंने जो है अपने मोबाइल जो है वो फ़ोन प्राइवेट लोगों को वहाँ पे जमा करवाते हैं, उसके बदले में वो टोकन देते हैं। आज ऐसा ही वाकया हुआ, 40 स्टूडेंट ने जो है एक बंदे को, प्राइवेट बंदे को अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो जमा करवाए और उसके बदले उन्होंने टोकन लिए, जिसके बाद वो टेस्ट दे के जैसे बाहर आए तो देखा कि वो जो मोबाइल जिसको हमने जमा करवाए थे वो नौसरबाज जो है वो मोबाइल लेके फ़रार हो गया। स्टूडेंट की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो गई, 40 मोबाइल फ़ोन थे, 40 स्टूडेंट थे जिन्होंने जाके आबाद थाने के पास जाके अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाई, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन रिकवर हुआ है। अच्छा, आपने देख लिया, आप ये नौसरबाज लोग हैं और काफ़ी बच्चे जो हैं जो अभी तक समझ नहीं सके कि आउटसाइडर जो भी लोग बैठे हो ना, किसी भी कॉलेज या कोई भी इदारा हो, इंस्टीट्यूट हो, जहाँ पे टेस्ट कंडक्ट हो, तो उसके आउटसाइड अगर कोई लोग बैठे हैं या आप समझते हैं कि ये इस इदारे के नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर पियान चौकीदार वगैरह को असाइनमेंट दी जाती है और वो कॉलेज की तरफ से ही होता है नॉर्मली, ते तो खुद हैं लेकिन कॉलेज की तरफ से उनको ये परमिशन होती है कि आप भले इन बच्चों को ये फेवर दें कि उनका कोई भी मोबाइल या कोई भी ऐसी चीज़ है वो लें, लेकिन ये बच्चे इनको नहीं समझ सके और ये रफू चक्कर हो गए वहाँ से इनके 40 मोबाइल लेके। बेस्ट विशेज़ कहते हैं सबको और आप केयरफुल रहें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।